देखो सुनो, सबसे पहली चीज कि अगर हम एक स्ट्रेटेजी, स्पीड और प्रिपरेशन सबको अगर मर्ज करके मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, तो आपको ना सबसे पहले एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए, है ना। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए, और शेड्यूल जो है उसमें दो चीजें होनी चाहिए। आपका एक तो नंबर ऑफ आवर्स होना चाहिए, जो एक टेंटेटिव होना चाहिए, है ना। मेरी नजरों में जैसे आप 3 घंटे 4 घंटे क्लासेस अटेंड करते हो, इसको साइड कर दो, इसको अपन छोड़ दें क्योंकि ये तो आप पढ़ते हो, है ना। लेकिन इसके अलावा आपको कम से कम 5 to 6 hours निकालने चाहिए। थोड़ा कम होगा, इससे ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन एक 5 to 6 hours की एवरेज स्टडी आपकी होनी चाहिए, या ईच सब्जेक्ट 1 hour तो 1.5 hour तो मिनिमम आपका होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि जहां कंपटीशन बहुत कम है, जिसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, या जहां कोई एग्जाम देने ही नहीं आता। मोस्ट डिमांडिंग है ना, मोस्ट प्रेफरेबल, और बहुत ही बोलना चाहिए कि जो काफी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो सब इसमें अपियर होते हैं, है ना। बैंकिंग जो है, आईटी इंडस्ट्री वाले होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, हर बैकग्राउंड के लोग जो है बैंकिंग को अटैक करते हैं, है ना। तो आप अगर मुझसे कहोगे कि सर मैं पढ़ाई भी ना करूं, मैं बस एक आध घंटे पढ़ लूं और मैं 4 महीने में सिलेक्शन भी ले लूं, तो आप भगवान नहीं हो, है ना। आप भी इंसान हो, और किसी भी चीज को अच्छा करना है तो समय तो लगेगा। आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट 5 to 6 months, 5 से 6 महीने, ये एकदम कड़वा सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं कितना भी बोल दूं, कोई आपको कुछ भी बोल दे कि अरे 2 महीने में अपन निकाल देंगे, 3 महीने में निकाल देंगे, लेकिन आज के एग्जाम के सीन को अगर देखा जाए तो 2 महीने 3 महीने कुछ नहीं लगते, है ना। आपको 5 to 6 months बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही गजब का हार्ड वर्क के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद जो आपका बेस बनेगा वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 2-3 महीने तो यार पता भी नहीं चलेंगे, और 2-3 महीने लायक पेपर बचा नहीं है। या तो फिर आप बहुत मोस्ट सुपर इंटेलिजेंट हो तो अलग बात है, बट मैं सुपर डुपर हाई लेवल इंटेलिजेंट लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन मैन एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन सिलेक्शन आप ले सकते हो, पर मान के चलो कि फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन, मतलब उस दिन से कम 5 से 6 महीने मान लो आप सिलेक्शन लायक बनोगे, वो भी तब जब 5 से 6 महीने आपने रेगुलर पढ़ाई करी होगी, हर दिन आपने एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करा होगा। 5 से 6 महीने बहुत मायने रखते हैं। लोग एक एक दो दो महीने में उनकी हवा निकल जाती है ना। वो बोलते हैं अरे सर हमसे तो नहीं हो पाएगा इतना 5-5, 6-6 घंटे पढ़ना। तो पहली बात कि अगर आप 5 से 6 घंटे कम से कम आने वाले 6 महीने तक निकाल सकते हो, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने आप को बैंक में निश्चित रूप से पाएंगे।